उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां से सबसे पहले हरिद्वार के निजी होटल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रीजनल कॉन्क्लेव में प्रतिभा किए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में कहा कि अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलकर 2 लाख करोड़ के निवेश को पार हो चुका है। हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित है उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं और 8 से 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड देहरादून है उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं और हम सभी इसका अवलोकन करेंगे। उत्तराखंड राज्य के जो GTSP हैं वो बड़े अपने उसको अवलोकन शुरू किए हैं जिसके पीछे हमारे उद्योग धंधे पर ये हमारे बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा, उसी दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा हमने उसमें प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ये हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते बहुत सारे MOU और हमारे प्रस्तावित हुए हैं जिनके आकलन करने उनके धरातल पर उतारने के लिए हमारे जितने भी थोड़ा नीचे हो यार, सीएम साहब आज आप आए हैं क्या कहेंगे? अरे यार हो गया, चुप रहो यार। अच्छा कौन एक जना क्यों आप अभी तक हमारे अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए MOU साइन किए हैं और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है डेस्टिनेशन उत्तराखंड है उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो GSTP है वो बड़े उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे हमारे राज्य के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा, उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे हमने अपने उसमें उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते हमें लगता है और भी बहुत सारे जो हमको MOU हमको प्रस्तावित हुए हैं उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। आपके आज कोई प्राधिकरण का भी कोई ऐप चालू किया है क्या है जो ऐप चालू किया प्राधिकरण ने? आज देखिए ये ऐप उदय ऐप, इस ऐप के चालू होने से लोगों को घर बैठे ही अपने मानचित्र स्वीकृत कराने में आसानी होगी जिसके लिए आज लोगों को कार्यालयों में जाना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है, कई बार वापस आना पड़ता है, बहुत उनको अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस ऐप के चालू हो जाने से आज 15 ऐसे नक्शे आज एक मैं कहूं कि शुरुआत के डेमो के रूप में यहां पर लिए गए हैं और हरिद्वार में इसकी सफलता के बाद इस ऐप को पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। आपने रखा था उस लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं क्या इन्वेस्टमेंट को लेकर? तो लक्ष्य आपने इन्वेस्टमेंट का रखा था प्रदेश में, उस लक्ष्य के कितने आसपास? नहीं, इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। सर सिलियारा की गुफा में जो लोग फंसे हुए हैं उसको लेके क्या कहेंगे? वो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी लेकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियाँ भारत सरकार की हों राज्य सरकार की हों सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। थैंक यू सर।